आफरीदी, हारी स्टाउ, शादाब खान और शान मसूद के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक भी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया और इमामुल हक की दुल्हन अनमोल महमूद की तस्वीर भी सामने आ गई है। क्रिकेटर की होने वाली अहलिया की मेहंदी की तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन गई है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मारूफ डिजाइनर हसन शहरियार यासीन के पेज से इमामुल हक की होने वाली दुल्हन अनमोल महमूद की तस्वीर शेयर की गई और उन्हें टैग किया गया। कैप्शन में इमाम की अनमोल लिखा था। इस पोस्ट में इमामुल हक को भी टैग किया गया। इसके अलावा ये तस्वीर फोटोग्राफर अजा शाहीन मलिक ने भी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की। फोटोग्राफर की शेयर करदा तस्वीर की लोकेशन में नॉर्वे लिखा गया था, जिसका मतलब यह है कि क्रिकेटर की मेहंदी की तकरीब नॉर्वे में हुई। इसके अलावा नॉर्वे की एक इवेंट प्लानर कंपनी टेलर मेडविजन ने इंस्टाग्राम पर मेहंदी की तकरीब की वीडियो भी शेयर की। नॉर्वे में मेहंदी के बाद शादी की तकरीबात का बाजाब्ता तौर पर आगाज 23 नवंबर को लाहौर में होगा। निकाह की तकरीब 25 नवंबर बरोस हफ्ता और वलीमे की तकरीब 26 नवंबर को होगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबात का आगाज 23 नवंबर को कवाली नाइट से होगा। तकरीबात में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शादाब खान और कौमी टीम के दीगर क्रिकेटर्स समेत क्रिकेट के सितारों के इस खुशी के मौके पर शिरकत की उम्मीद है। इमामुल हक कौमी क्रिकेट टीम के शादी क्लब में शामिल होने वाले नए उम्मीदवार हैं। इससे पहले शाहीन शाफरीदी, हारी स्टाउ, शादाब खान और शान मसूद भी इस क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं। शाहीन शाफरीदी की शादी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्टार बल्लेबाज शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी से हुई थी। शादाब खान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक स्टार स्पिनर सकलैन मुश्ताक की साहिबजादी से शादी के बंधन में बंधे थे। फास्ट बॉलर हारी स्टाउ की शादी इस्लामाबाद में मॉडल मुजना मसूद मलिक के साथ हुई थी, जबकि बल्लेबाज शान मसूद की शादी पिशावर से ताल्लुक रखने वाली मेशे खान से पिशावर में हुई थी। शायकी ने क्रिकेट अब स्टार बल्लेबाज और कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की शादी के इंतजार में है और गुज़श्ता दिनों तो सोशल मीडिया पर अदाकारा हानिया आमिर के साथ उनकी वायरल होने वाली वीडियो में बाबर के चाहने वालों ने हानिया आमिर को भाभी कह के पुकारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद में हानिया आमिर को तरदीद भी करनी पड़ी।